So, hello everyone. Yes. So, हेलो एवरीवन, दिस साइड रिद्धि सोरल फ्रॉम हैकर्स ब्लॉग. एंड आप लोग फटाफट से सब आ जाइए, बिकॉज आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने सो वाला है. हेलो एंड एवरीवन. आज के टॉपिक में होने वाला है क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है. जस्ट लेट मी नो कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, एंड लेट मी चेक आवाज़ प्रॉपर है या नहीं. सो ऑल थिंग्स आर क्लियर. क्विकली रोल इन टू द सेशन, बिकॉज टुडे सेशन इज समथिंग विच एक्चुअली नीडेड इन द इंडस्ट्री, एज वेल एज हमको समझना चाहिए टू ईच एंड एवरी वन. ऑलराइट, सो क्विकली रोल इन टू द सेशन, फटाफट से आ जाइए सब. ये सेशन एक्चुअली कल रात को होने वाला था, बट ड्यू टू माई नेक पेन एज वेल एज काफ़ी देर हो गई थी, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम सेइंग कि आप सेशन कल ले लो, सो दैट्स वाई शिफ्टेड द सेशन. ओके, तो अभी जो हमारा आज का सेशन है दैट इज़ ऑन क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी हमें सबको पता है क्या होता है, जस्ट टू सेफ गार्ड आर प्राइवेट थिंग्स, ठीक है ना. लेकिन सिक्योर कोड कितना रहेगा, और आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जैसे पासवर्ड एनक्रिप्टेड हो गया, कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करें. लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जिसने सेशन अटेंड किया होगा तो उसमें बीक्रिप्ट था. सो उसको क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या स्ट्रोक्स होते हैं, क्या डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, क्या डिजिटल सर्टिफिकेशंस होते हैं. सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले ऊपर चैट फॉर्म गिवन है, जिसके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू सोर्स कोड, रिलेटेड टू VAPT, रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, रिलेटेड टू करियर, सब प्लीज़ वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा. हम फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी विल बी लर्निंग इज क्या क्रिप्टोग्राफी होता है, इज क्रिप्टोग्राफी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रीज, अटैक सिनेरियोज क्या क्या होते हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट अटैक सिनेरियो जो होता है दैट गोइंग टू बी द पुअर की मैनेजमेंट. अगर हमने कोई कोड लिखा है एंड इन दैट कोड इफ वी आर हैविंग द पुअर की, पुअर की एज इन विच इज इजीली चेंजेबल, इजीली डिक्रिप्टेबल, सो दैट गोइंग टू कम अंडर पुअर की मैनेजमेंट. देन वी हैव द की इन द सर्टिफिकेशंस, मैनेजमेंट की स्ट्रोक्स, डिजिटल सर्टिफिकेशंस. इसका मैं एक टू आवर्स मास्टर क्लास भी लेकर आऊंगी. आज की क्लास गोइंग टू बी स्मॉल, लेकिन इसको और डिटेल में मैं आपको बताऊंगी. तो अगर आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ही मैं इसका एक्सपेंशन और लेकर आऊंगी. ऑलराइट, पासवर्ड एनकोडिंग, हैशिंग एल्गोरिथम्स, सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने सुना है एंड वी ऑल नो अबाउट दैट. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये कितनी यूजफुल हैं, ये कितनी अप्रोप्रिएट हैं इंडस्ट्रीज में यूज करने के लिए, या अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें यूज करने के लिए. ऑलराइट, सो नाउ कमिंग ऑन व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी. सो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी होता क्या है. सो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, डू आई नो हु ऑल नो क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है. तो क्रिप्टोग्राफी से आप लोग क्या समझते हैं. ऑल राइट, सो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी इज समथिंग जहाँ पे, और एक्चुअल में आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ही यही है कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है एंड इज क्रिप्टोग्राफी इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज. अगर हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो इज दिस इम्पॉर्टेंट और नॉट. सो ऑल राइट, सो वॉट वी हैव टू डू इज हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज का सेशन. प्लीज़ बने रहिएगा, समझिएगा, सीखिएगा. एंड ऑब्वियसली आज के सेशन में मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लेकर आई हूँ अबाउट क्रिप्टोग्राफी एंड इट्स फीचर्स. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, आई कम बैक ऑन द सेम टॉपिक विद प्रैक्टिकल. ओके, सो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है. सो क्रिप्टोग्राफी समथिंग कुछ ऐसी चीज़ जिससे जो चीज़ों को हाइड करती हो, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाइड करती हो, राइट, सो दैट द ओनली पर्सन अ मैसेज वॉज इंटेंडेड कैन रीड इट.
जिस पर्सन के पास जा रहा है वही रीड कर सके, जैसे हमारे एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहते हैं. एंड द आर्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी हैज बीन यूज टू कोड मैसेजेस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड कंटिन्यू टू यूज इन बैंक कार्ड्स, कंप्यूटर पासवर्ड्स, ई कॉमर्स. सो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी जो होता है वो चीज़ों को हाइड करने के लिए यूज में होता है. मीन्स ये इंफॉर्मेशन, जो मेन इंफॉर्मेशन होती है उसको थर्ड पर्सन से हाइड करने के लिए होता है, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन जिधर जानी है वहाँ तक सेफली पहुँच जाए और कोई बीच में उसको मोल्ड नहीं करे एंड उसको करप्ट ना करे, राइट. उसके लिए हम लोग बहुत सारी एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, सिपर यूज करते हैं फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे सिपर यूज हुई, वो बेसिकली हमें बताते हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इंफॉर्मेशन का. हमारे सच एज 128-bit एंड 256-bit इंक्रिप्शन की, ये सब भी आपने सुना होगा, ठीक है ना. तो 128-bit होता है, 256-bit इंक्रिप्शन की होता है. मॉडर्न सिपर्स जो आए हैं वो किस लिए आए हैं, वो आए हैं AES. AES भी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है, बट अगर हम कोई लॉगिन पेज बना रहे हैं जिसमें हमारे सर्वर से डेटा इंट्रूज है, सो इन दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू यूज AES, दैट इज एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, एंड ये वर्चुअली अनब्रेकेबल होता है. तो AES का भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अ कॉमन क्रिप्टोग्राफी डिफिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग इंफॉर्मेशन टू एंश्योर ओनली अ पर्सन दैट अ मैसेज वॉज रिटन. Can read and process the information. Now this cyber security practice, इस particular cyber security practice को हम cryptology भी कहते हैं. Combines various disciplines like computer science, engineering, mathematics to create complex code. ठीक है ना. So basically अभी सबसे पहले हमने ये चीज़ जानी कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है. सो टू नो अबाउट क्रिप्टोग्राफी, बहुत सारी ऐसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कीज अवेलेबल हैं मार्केट में, बट कौन सी किस जगह यूजेबल है, कौन सी किस जगह फीजिबल है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, उससे पहले किसी को अगर सोर्स कोड रिव्यू का कोर्स करना है या किसी को साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, जानकारी लेनी है, सो दे कैन पुट देयर नेम और इंफॉर्मेशन इन द चैट अबव, चैट फॉर्म में डाल सकते हैं, ठीक है. मेरे से काफ़ी बार डेवलपर्स ने पूछा है हम AES यूज कर सकते हैं क्या. सो यस, AES भी आप यूज कर सकते हैं. AES भी बहुत इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम मानी गई है, बट किस पॉइंट पे आपको वो यूज करना है, दैट डिफाइंस योर वे. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए हमारे पास क्रिप्टोग्राफी इम्पॉर्टेंट है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इज दिस इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी रिमेन्स इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्टिंग डेटा यूजर्स, इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेंटिंग साइबर क्रिमिनल्स फ्रॉम इंटरसेप्टिंग सेंसिटिव कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन. सो यस, तो जब भी हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं, सो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑन द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है अगर वो लीक हो जाती है, आई यू अंडरस्टैंडिंग, अगर जो हमारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इफ दैट लीक्स तो वो बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है हमारी इंडस्ट्री के लिए. और टू इन पर्सन अगर हम बात करें तो एक सिंगल पर्सन के लिए भी दैट गोइंग टू बी वेरी हजार्डियस. उसका इम्पैक्ट मे भी छोटा हो, मे भी बहुत बड़ा हो, ठीक है ना. तो इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी वी हैव टू अंडरस्टैंड. आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है. किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा एंड चैट फॉर्म को भरना ना भूलिएगा. इसके जो भी डाउट्स है प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो. सैम हैकर बोलते हैं व्हाट्सएप इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंड टू एनक्रिप्शन. यस, व्हाट्सएप इज द बेस्ट एग्जाम्पल एंड देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स. अगर हम कोड कर रहे हैं सो फॉर दैट भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अवेलेबल. सो आई एम कमिंग विद माई न्यू सोर्स कोड मॉड्यूल
which is very, very, very much helpful for the industry point of view. So, chat form upar given hai, किसी को साइबर सिक्योरिटी कोर्स करना है, किसी को जानकारी लेनी है, कंसल्टेंसी चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए, सो दे कैन पुट देयर क्वेरीज इन अबव चैट बॉक्स. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक्सेल जोन विद सतेंद्र. या हाय, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बिकॉज क्रिप्टोग्राफी इज ऑल टाइम माई फेवरेट टॉपिक एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. ओके, सो यहाँ तक हमारी चीज हो गई है. नेक्स्ट हम चलते हैं, अब आते हैं हम हमारे पास कि एक्चुअल में हमारा क्यों, जब हमने एनक्रिप्शन की लगा दी है, जब हमने कोड सिक्योर लिख रखा है, जब हमने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख रखा है, तब भी अटैकर कैसे अंदर घुस गया. राइट, सो आर हॉट टॉपिक फॉर टुडे इज अटैक सिनेरियो. अटैक सिनेरियो क्या है, एंड ऑब्वियसली अटैक सिनेरियो में हमारा फर्स्ट लिस्टिंग पॉइंट है पुअर की मैनेजमेंट. कैसे की को हमने पुअर बता दिया, बिकॉज वो बहुत इजीली डिक्रिप्टेबल थी, वो बहुत इजीली क्लोनेबल थी, सो दैट्स व्हाई पुअर की. में तो पुअर की मैनेजमेंट क्या क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. इन द प्रेजेंट सिनेरियो most of the attacks are aimed at key management rather than cryptographic algorithms. अभी हम समझ रहे हैं क्रिप्टोग्राफी, हमने क्रिप्टोग्राफी की सारी जानकारी ले ली, राइट, पर अब हमें पता चला कि क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने की जो लगा रखी होगी वो ही अगर पुअर है तो ऑब्वियसली उससे भी तो क्रैकिंग हैकिंग हो जाएगी, और जब उससे हैकिंग क्रैकिंग हो गई तो डेफिनेटली हमारा सब कुछ ब्लेम आ जाएगा, क्रिप्टोग्राफी प्रॉपर नहीं थी, एल्गोरिथम प्रॉपर यूज नहीं की होगी आपने जरूर. सो दीज पॉइंट्स एंड दीज सजेशंस विल कम, राइट, सो टू अवॉइड ऑल सच सजेशंस हम पहले अपनी चीज को देख लेते हैं. सो पुअर की मैनेजमेंट थ्रेट्स इंक्लूड, क्या क्या हो सकता है, मिस हैंडलिंग ऑफ द की. नाउ जो डेवलपर्स होंगे या इफ यू ऑल मस्ट नोइंग अबाउट कि जब भी डेटा ट्रांसफर होता है देर इज सम की पॉइंट देर, इवन अगर जेसन में भी डेटा फ्लो हो रहा है, अगर जेसन में भी डेटा फ्लो हो रहा है सो इट रिक्वायर समथिंग जिसमें हमारे पास सिग्नेचर्स रहते हैं, पेलोड रहते हैं, हेडर रहते हैं, तो जो सिग्नेचर है उसमें की तो पास होती है. अगर उस सिग्नेचर को हमने लीक कर दिया, मॉड्यूल सॉरी मोल्ड कर दिया, सो देन अगेन हम बोलेंगे कि हमारा जो की था उसने इंफॉर्मेशन लीक कर दी. तो क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं उससे, पहली चीज आई मिस हैंडलिंग ऑफ कीज, सेकेंड आ जाएगा इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द की जनरेशन. आपने जो की यूज करी है, जो हर साल के हिसाब से या हर एक यूजर के हिसाब से जेनरेशन दे रही है, की जनरेशन दे रही है, वो कितनी इनकरेक्ट है, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं, तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी होगी टू बींग अ डेवलपर और टू बींग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट. ये पॉइंट्स आपको चेक करने पड़ेंगे. नेक्स्ट गोइंग ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज. ऑब्वियसली जब जब की पुअर होगी तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो लीक होगी, सही, राइट. अनऑथराइज यूज ऑफ पब्लिक और सीक्रेट कीज. सो क्या है अनऑथराइज यूज पब्लिक का एज वेल एज सीक्रेट कीज का, ठीक है ना. कोई भी अगर अगर हमने ऑथेंटिकेशन प्रॉपर नहीं लगा रखे, ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं लगा रखे, डेफिनेटली हमारे अनऑथराइज एक्सेस तो रहेगा ही. नेक्स्ट आता है कॉम्प्रोमाइज ऑफ ऑथेंटिसिटी. जब ऑथराइजेशन ही प्रॉपर नहीं है तो ऑथेंटिसिटी भी प्रॉपर नहीं रहेगी. नेक्स्ट आता है की मैनेजमेंट. अब ये की मैनेजमेंट क्या रोल निभाता है, डू एनीवन नो व्हाट इज की मैनेजमेंट, फटाफट से बताइए की मैनेजमेंट क्या होता है. सो की मैनेजमेंट क्या है, कोई बताएगा. बेसिकली की मैनेजमेंट में यही है कि हम जो प्राइवेट कीज यूज कर रहे हैं, पब्लिक कीज यूज कर रहे हैं,
सीक्रेट कीज यूज कर रहे हैं, उनका फॉर्मेशन कैसा है, उनको हमने किस हिसाब से रख रखा है. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, अब यहाँ पे देखिए, द की मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स प्राइवेट कीज टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर्स. अब प्राइवेट कीज में क्या आ जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर्स, पब्लिक कीज फॉर वेरीफाइंग, पब्लिक कीज फॉर वेरीफाइंग द डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है ना. सो की मैनेजमेंट में बेसिकली जब भी हम की मैनेजमेंट की बात करें, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द की मैनेजमेंट प्रोवाइड सिस्टम्स, सॉरी सिस्टम प्रोवाइड्स प्राइवेट कीज टू क्रिएट द डिजिटल सिग्नेचर्स एंड द पब्लिक की फॉर वेरीफाइंग डिजिटल सिग्नेचर्स. दो तरीके से होता है, प्राइवेट कीज डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए एंड पब्लिक की वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स. तो जब भी हम की को यूज कर रहे हैं, प्राइवेट कीज यूज कर रहे हैं, पब्लिक कीज यूज कर रहे हैं, उनको बहुत तरीके से हमें यूज करना है. अदरवाइज अगर हमारे कोड से की लीक होती है, सो वो चीज भी अटैकर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल चीज मानी जाएगी, राइट. सो द की मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजर्स कीज, जो कि पब्लिक है, प्राइवेट है, सीक्रेट कीज, कंटेन्ड विद इन अ सर्टिफिकेट, स्टोर दोज कीज एंड रिट्राइव दो प्रोग्रामेटिकली यूजिंग टूल्स. अगर हमने कोई भी की यूज करी है तो वो बहुत इजीली, बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं. नेक्स्ट क्लास आप लोग आज के सेशन के बाद प्लीज मुझे बताइएगा कि आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा. अगर आज का आपको सेशन अच्छा लगा है, सो आई एम टेलिंग यू आई विल बी कमिंग बैक अगैन विद 2 hours मास्टर क्लास ऑन क्रिप्टोग्राफी की टूल मैनेजमेंट. क्योंकि बहुत इजीली हम की को डिक्रिप्ट कर सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और ये चीज हम खुद प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं ऑन द डमी पेपर. तो ये प्रैक्टिकल मैं जरूर लेकर आऊंगी, बट लेट मी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर नीड्स. आपको सोर्स कोड रिव्यू समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. नाउ नेक्स्ट कम ऑन एलिमेंट्स ऑफ की मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स. अब की मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, एक तो की होता है, सर्टिफिकेट होता है, आइडेंटिटीज होती है, ठीक है ना. तो इन चीजों को बहुत जानना जरूरी है. अभी तक हमने ये देखा होगा कि अरे अरे हमने वेबसाइट टेस्ट करी, उसमें एक की निकल रही है, वाओ हमने निकाल लिया, उसको डिक्रिप्ट करो. अगर डिक्रिप्ट हो जाती है, नहीं होती है, तो हमने कंपनी को रिपोर्ट कर दिया. नहीं, की में से भी क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल पा रहे हैं, वो सटीक इंफॉर्मेशन जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत हजारियस है और बींग अ हैकर हमारे लिए बहुत फायदे की है, ठीक है. सो ये सारी चीजें हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो पहला आ जाएगा कीज यूज फॉर साइनिंग डेटा, एग्जाम्पल जार फाइल्स दैट यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी एंड इंक्लूड पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट कीज और बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज. तो कीज में बेसिकली आएगा हमारे पास साइनिंग डेटा. जब भी कीज आप देखते होंगे, अगर आपने की नहीं देखा हो और आपको क्विक देखना हो कि यार एक एग्जाम्पल हो जाए, तो सबसे अच्छा है आप जेसन सिग्नेचर को देख लो. जेसन सिग्नेचर जो है ना, उसके हिसाब जैसी ही की होती है हमारी, ठीक है ना. वो बड़ा होता है थोड़ा, की जरूरी नहीं है बहुत बड़ी हो, बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है. सर्टिफिकेट्स, जब भी हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, कुछ एक्सटर्नल चीजें उसमें यूज करते हैं, सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी. तो यहाँ पे आ जाएगा यूज फॉर वेरीफाइंग डिजिटल सिग्नेचर्स लाइक पब्लिक की प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी. नाउ वी कम्स ऑन आइडेंटिटीज. So used for managing identities with their keys that are stored in the key database. Key database में कौन कौन सी identities हम leak कर सकते हैं, कौन कौन सी identities हमारे लिए useful हो सकती है, so we have to understand those also. So key management hopefully आप लोगों को समझ में आ गया होगा, keys, certificates and identities क्या role निभाती है, ठीक है ना. तो जब भी हम कोई hacking करने जा रहे हैं और securing करने जा रहे हैं, तो उसके लिए we need to understand ये सारे पॉइंट्स. आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट कमिंग ऑन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ द क्रिप्टोग्राफी, की स्ट्रोक, की स्टोर. हमारा की स्टोर स्टोरिंग कैसा है, आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं. क्लाइंट बैठा है, अगर उसने की स्टोर प्रॉपर नहीं है और उसने की निकाल ली, तो फिर तो हैकर की बल्ले बल्ले हो जाएगी. और ऑब्वियसली जो हमारा जो इंडस्ट्री होगा या जिसका भी वो प्रोडक्ट होगा
या जिसकी भी वो वेबसाइट होगी उसके लिए ये बहुत हजार्डियस चीज हो जाएगी। मे बी क्लेम बहुत ज्यादा आ जाए, मे बी उसका फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इश्यू आ जाए, ठीक है ना। तो की स्टोर इज वॉट, की स्टोर प्रोवाइड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग एंड स्टोरिंग क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड सर्टिफिकेट्स, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटाबेस। ओके, तो की स्टोर प्रोवाइड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग एंड स्टोरिंग क्रिप्टोग्राफिक कीज, ठीक है ना। तो की स्टोर क्या बताता है कि आपको किस तरीके से अपनी कीज को संभाल के रखना है, किस तरीके से सर्टिफिकेट्स को संभाल के रखना है, क्योंकि अटैकर आज के टाइम पे ये नहीं सोचता SQL इंजेक्शन लगा दूं, SQL इंजेक्शन लगा दूं, ठीक है ना। तो वो ऐसे नहीं सोचता, जस्ट अ सेकेंड। Alright, so key store provides standard mechanism for managing and storing cryptography keys and certifications. Now second comes for key store is an important class in JCA that manages Java key management system. अगर हम Java की बात करें, which holds maximum applications, so JCA is what? Java security key store. तो हमें ऐसी कुछ functionalities, ऐसा कुछ imports लेने पड़ते हैं Java में भी, which is very much important. Keystore implements entries using keystores.entry, interface for managing entries such as keystore.privateKeyEntry, keystore.secretKeyEntry, keystore.trustedCertificateEntry. तो आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं, क्लाइंट है, क्लाइंट के बाद वी हैव द वेब एप्लीकेशन एंड देन इट मूविंग टुवर्ड्स डेटाबेस। फिर जब अगर हम की स्टोर को देख रहे हैं, हम वापस आते हैं, अगर कोई ऐसी की यूज करिए जो इजीली एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो रही है या अटैकर उस की को निकाल पा रहा है, सो वो चीज एक बहुत नेक्स्ट लेवल की हो सकती है, ठीक है ना। तो उसको हमें यूज करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए ये कुछ ऐसे हमें फंक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं, हमें वो यूज करने चाहिए। नाउ नेक्स्ट कम विद अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज डिजिटल सर्टिफिकेशन। जब भी हम कोई चीज बना रहे हैं और बहुत क्रूशियल बना रहे हैं, सो उसके लिए डिजिटल डिजिटल सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर यूज फॉर आइडेंटिफाइंग ऑथर हु क्रिएटेड द कीज, राइट। तो डिजिटल सर्टिफिकेशन उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑथर, कि कौन ऑथर था जिसने वो की बनाई, किसने आपका ये की स्टोर किया, किस तरीके से उसने सर्टिफिकेशन दिया, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड जनरली यूज्ड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। सो जब भी आप कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं या किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो डिजिटल सर्टिफिकेशन आपको चेक करना बहुत जरूरी है। जिसने आपको बोला कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, उसका डिजिटल सिग्नेचर, उसका डिजिटल सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी तरीके से जब भी आप कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगे, तो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा क्लाइंट को कि हाँ, ये हमारी तरफ से सब कुछ कुशल मंगल है, अब आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। या जो हम एविडेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट एविडेंस है एंड जो अप टू द मार्क है, तो वो सर्टिफिकेशंस हमें प्रोवाइड करने रहे, ठीक है ना। अब डिजिटल सर्टिफिकेशंस में क्या क्या होता है, यूजर इंफॉर्मेशन होता है, यूजर्स पब्लिक की होता है, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सीए है, मीन सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इश्यू एंड एक्सपायरी डेट है, ये सब चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेशंस, सिक्योर सॉकेट लेयर दैट इज SSL सर्वर सर्टिफिकेशन है या नहीं है, पोर्ट साइनिंग सर्टिफिकेट है या नहीं है, क्लाइंट सर्टिफिकेट्स है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें बहुत क्रूशियल, बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
इसलिए जब भी हम इनको यूज करते हैं तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हमें इन सब चीजों की जानकारी हो। और अगर बीइंग एन थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर अगर हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है कि ये हमें चीजें चेक करनी है। और आफ्टर चेकिंग ऑल द थिंग्स जब हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे कि यस आपका सिस्टम अब ग्रीन लाइट है, मींस पब्लिश, रेडी टू पब्लिश है, रेडी टू वर्क है, तो उसमें हमें उनको क्या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना रहेगा। तो ये सारी चीजें, सर्टिफिकेशन हमेशा तब प्रोवाइड किया जाता है जब आपने सारी चीजें कंफर्मली क्विकली देख ली है। नाउ कमिंग ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन, दिस इज हैशिंग। सो हैशिंग क्या होता है? मैनी ऑफ द पीपल नो हैशिंग क्या है, कोई बताएगा हैशिंग क्या है? सो क्विकली कम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो एंड प्लीज फॉर्म भी भर लो, क्विकली फॉर्म भी भर लो फटाफट से सब। एक्सेल जोन विद सत्येंद्र, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज फिल द चैट चैट फॉर्म। अगर किसी को सोर्स कोड रिव्यू का कोर्स करना है, बीएपीटी का कोर्स करना है, या फिर आपको करियर गाइडेंस चाहिए, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, एंड आई थिंक आपको ये पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर मैं आपको क्रिप्टोग्राफी बता रही हूँ ये आपको यूजफुल लग रहा हो, प्लीज ड्रॉप द चैट विंडो कमेंट्स ऑल्सो, चैट विंडो में कमेंट्स डाल दो, तभी तो जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा चीज लेके आ पाऊंगी। नाउ कमिंग ऑन द हैशिंग, हैशिंग क्या करती है, हैशिंग क्या होती है? हैशिंग वी ऑल नो, पर फिर भी हम समझ लेते हैं हैशिंग क्या करती है। हैशिंग इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफी दैट ट्रांसफॉर्म्स द डेटा इनटू फिक्स्ड लेंथ वैल्यू और की दैट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। तो जो भी, जैसे सपोज हमारे पास कोई कोड है, कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, उसको हैशिंग क्या करता है, जैसे सपोज यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, आप ध्यान से देखें डायग्राम। यूजर सेंड्स द मैसेज एंड द हैश कोड टू रिसीवर, तो ये जो सेंडर है वो मैसेज सेंड कर रहा है एंड हैश कोड सेंड कर रहा है रिसीवर को। कॉन्फिडेंशियल मैसेज के बाद हैश कोड नीचे गया एंड वो हैश में कन्वर्ट हुआ, तो रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, ठीक है ना। सो हैशिंग एक तरीके से फॉर्म है क्रिप्टोग्राफी की जो ट्रांसफॉर्म कर देता है इंफॉर्मेशन फिक्स्ड इनटू द फिक्स्ड लेंथ वैल्यू और दैट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, जो कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जैसा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। सो हैशिंग टेक्निक एंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बाय चेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन बोथ द सेंडर्स एंड द रिसीवर साइड्स। ओके, तो अगर हम हैशिंग टेक्निक की बात करें, सो सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बाय चेकिंग द इंटीग्रिटी, ऑब्वियसली जब भी हम कोई एप्लीकेशन देख रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो क्या सेंडर ने सेंड किया, क्या रिसीवर ने गेट किया, तो ये पूरा एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में डिलीवर हुआ एंड दिस इज शोन एज हैशिंग टेक्निक। चेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, द सेंडर ऑफ मैसेज क्रिएट्स a hash code of it and sends the message to the receiver along with its hash code, ठीक है ना। तो sender of the message creates the hash code and sends the message to the receiver along with the hash code। तो मतलब क्या है, हैशिंग बेसिकली हैश के फॉर्म में ही डेटा लेता है और हैश के फॉर्म में आगे डेटा पास कर देता है। द रिसीवर अगेन क्रिएट्स अ हैश कोड फॉर द सेम मैसेज एट द रिसीवर साइड and compares both the hash codes. If that match, the message is not tampered in the transmission. तो हमें check कैसे करना होता है, जो वहां से hash code आया, यहां से जो hash code बना उसका, अगर वो same है तो इसका मतलब message हमारा tampered नहीं हुआ by the attacker और third party के through. I think यहां तक सबको clear है।
So to implement hashing in Java includes Java Security Message Digest class, और ये कुछ ऐसी हमारे पास हैशिंग एल्गोरिथम्स है, MD2 है, 5 है, SHA-1, SHA-256, 384, 512, PBKDF2, BCrypt, Script, ये सारी ऐसी हमारे पास हैशिंग एल्गोरिथम्स है जो कि कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर हमें MD5 का एक एग्जांपल देखना है तो यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है, उसने हमें क्लियरली बता रखा है कि हमने MD5 यूज़ किया है। MD5 आज के टाइम पे बहुत ईजिली डिक्रिप्ट हो सकती है, तो हमें हमेशा डेवलपर्स को बताना है कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, तो आप इसको चेंज करो, तो वी हैव टू हाईलाइट दैट पार्ट। नाउ कम्स फॉर द पासवर्ड एनकोडर। पासवर्ड एनकोडर इज समथिंग विच प्रोवाइड्स पासवर्ड एनकोडिंग फीचर्स, ठीक है ना। अब जैसे पासवर्ड एनकोडर में क्या आएगा, जैसे स्टैंडर्ड पासवर्ड एनकोडर है, MD5 पासवर्ड एनकोडर है, BCrypt पासवर्ड एनकोडर है। सो ये कुछ ऐसे एनकोडर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर राइटिंग द कोड। अब जैसे स्टैंडर्ड पासवर्ड एनकोडर आता है, सो स्टैंडर्ड पासवर्ड एनकोडर में क्या आता है, कंबाइंस द प्लेन पासवर्ड विद द साइड बाइट सीक्रेट एंड 8-byte रैंडम सॉल्व्स। ओके, तो इसके बारे में हम और डिस्क्रिप्शन में देखेंगे नो डाउट। ऐसे BCrypt पासवर्ड एनकोडर है, लास्ट सेशन में भी मैंने बोला था कि आप BCrypt यूज करें फॉर द पासवर्ड, बिकॉज ये एक ऐसी एल्गोरिथम है जो अनब्रेकेबल है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग 60 लेंथ कैरेक्टर्स के साथ है। अगर हम देखना चाहें कि किस तरीके से हम BCrypt का कोड लिख सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेवलपर ने यूज किया है या नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो एक फंक्शन बनाएंगे एंड जहां से उनका एनकोडर बन, जहां से उनका पासवर्ड पास हो रहा होगा उस जगह उन्होंने BCrypt लगा रखा होगा। तो इस तरीके से आपको कोड मिलेगा, आप पहचान जाओगे कि यहाँ पे कौन से टाइप की एल्गोरिथम यूज करी है। सो होपफुली आप लोगों को सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो कि आपको कमेंट्स कैसे लगे, सॉरी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज ड्रॉप द कमेंट्स इन द चैट विंडो। एंड किसी को भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्स करना है या जानकारी चाहिए या सोर्स कोड रिव्यू करना है, मैं सोर्स कोड रिव्यू का कोर्स लेकर आने वाली हूँ एंड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग कोर्स होने वाला है फॉर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। सो आप प्लीज़ चैट फॉर्म भर दीजिए, जिसकी जो भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व कर दी जाएंगी। ओके, प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो आपको कैसा लगा सेशन। होपफुली आप लोगों को ये सेशन काम का लगा हो एंड आपके यूज आ सके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप SR Gamers। ऑल राइट, सो आई थिंक ये सब अभी ऑफिस के टाइम्स हैं एंड मुझे भी निकलना है। सो हियर आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। हम शाम को फिर मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू SR Gamers एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप। पवन शर्मा बोलते हैं येस मैम, मेक अ कोर्स सोर्स कोड रिव्यू। या डेफिनेटली प्लीज फिल द फॉर्म अबव एंड उसमें अपनी रिक्वायरमेंट डाल दो, तो इतनी ही जल्दी एक प्रोफेशनल कोर्स आएगा आपका सोर्स कोड रिव्यू का। पवन शर्मा प्लीज फॉर्म फिल कर दो ऊपर का। जिस जिसको भी सोर्स कोड रिव्यू करना है एंड कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, प्लीज ऊपर का चैट फॉर्म भर दीजिए, सो दैट विल बी डायरेक्टेड टू मी बाय माई टीम एंड आप मेरे से बात कर सकते हैं या टीम से बात कर सकते हैं, तो ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। राइट, ओके, सो थैंक यू सो मच। हियर आई एम एंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर।